हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप देख पा रहे होंगे मैं अपनी जिम से आपके लिए बना रहा हूँ, क्योंकि आज कोर्ट की छुट्टी है, मैं घर पर हूँ, तो मैं अपनी पर्सनल जिम से वीडियो आपके लिए लेके आ रहा हूँ। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि ये वीडियो फिटनेस से रिलेटेड है, ये वीडियो लीगल ही है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट बताने वाला हूँ। दोस्तों, ये जजमेंट हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस जजमेंट के अंदर आप देखेंगे कि स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक फाइट हुई है। यानी कि पहले ट्रायल कोर्ट का फैसला आया, ट्रायल कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया गया सेशन कोर्ट में, फिर भी सेशन कोर्ट से सेटिस्फाइड नहीं हुए तो उसको चैलेंज किया गया हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में, और अंत में जीत हुई। यानी कि वही बात जो मैं आपको कहता हूँ बार बार कि आपको लड़ना पड़ता है। यदि आप लड़ेंगे नहीं, बीच में लड़ाई छोड़ेंगे, तो फिर दिक्कत आएगी। वो बात की बात है, फैसला वाइफ के फेवर में जाता है या हस्बैंड के फेवर में जाता है, बट एटलीस्ट आपको लड़ना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज के जजमेंट को पूरा समझते हैं और देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला किया, किसके फेवर में फैसला किया। दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के बाद जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं ऐसी कोई लीगल पोस्ट लेके आऊँ उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, प्रस्तुत मामले में वाइफ ने हस्बैंड पर डोमेस्टिक वायलेंस का एक केस फाइल किया और उसके अंतर्गत इंटरिम मेंटेनेंस की डिमांड करी। कोर्ट ने सारे तथ्यों को देखा और सारे तथ्यों को देखने के बाद इंटरिम मेंटेनेंस के रूप में 5,000 पर मंथ का ऑर्डर कर दिया। यानी कि जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को 5,000 पर मंथ एज ए इंटरिम मेंटेनेंस देगा। अब जो वाइफ थी वो इससे संतुष्ट नहीं हुई और इस ऑर्डर के खिलाफ वो सेशन कोर्ट में गई। अब सेशन कोर्ट ने फिर से सारे तथ्यों को देखा, सारी चीजों को देखा, दोनों के आर्ग्यूमेंट सुने, और उसके बाद सेशन कोर्ट ने ये माना, लोअर कोर्ट ने जो फैसला दिया है 5,000 पर मंथ का, इसको बढ़ाया जाना चाहिए, और सेशन कोर्ट ने इसको इंक्रीज करके 9,000 पर मंथ कर दिया। यानी कि अभी हस्बैंड को इंटरिम मेंटेनेंस के रूप में वाइफ को 9,000 पर मंथ देना होगा। लेकिन दोस्तों, वाइफ सेशन कोर्ट के इस फैसले से सहमत नहीं थी, सेटिस्फाई नहीं थी, तो उसने इस फैसले को चैलेंज किया हाई कोर्ट में। दोस्तों, यहां पर हाई कोर्ट ने सारे फैक्ट्स को फिर दोबारा से देखा और हाई कोर्ट ने ये माना कि जो लोअर कोर्ट्स ने फैसले सुनाए हैं वो फैसले ठीक नहीं है। एक्चुअली उन्होंने सारी चीजों को नहीं देखा, सारे फैक्ट और एविडेंस पर ध्यान नहीं दिया। यदि वो ध्यान देते तो वो ये पाते कि जो वाइफ है वो खूब पढ़ी लिखी है, वेल एजुकेटेड है, MSc बायोटेक है, और वो अपनी PhD के लिए तैयारी कर रही है, तो ऐसे केस में वो अपना जो है भरण पोषण कर सकती है। तो हाई कोर्ट ने जो उसको मेंटेनेंस दिया जा रहा था उसको किसी भी प्रकार से बढ़ाने से इनकार कर दिया और उसके पिटीशन को खारिज कर दिया। अब दोस्तों, वाइफ इससे भी सेटिस्फाइड नहीं हुई और उसने हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। अब सुप्रीम कोर्ट ने फिर से सारी चीजों को देखा, परखा, जाना और सारे फैक्ट्स देखे, दोनों पक्षों के जो काउंसिल थे उनके आर्ग्यूमेंट सुने, और आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय दिया। इस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि चाहे वाइफ कितनी भी पढ़ी लिखी क्यों ना हो, लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि वो जो है अपना मेंटेनेंस कर सकती है या वो अर्निंग कर रही है। पढ़े लिखे होने का मतलब ये नहीं है कि उसकी अर्निंग है ही। तो ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को इंटरिम मेंटेनेंस को देने के लिए लायबल तो होगा ही, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने हस्बैंड की अर्निंग को भी देखा और ये टिप्पणी भी की कि यदि हस्बैंड कैपेबल है तो उसको एक पर्टिकुलर स्टेटस मेंटेन करके अपनी वाइफ को देना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग उसको मेंटेनेंस भी पे करना चाहिए। तो ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम मेंटेनेंस की राशि को 9,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए पर मंथ कर दिया। यानी कि अभी हस्बैंड को अपनी वाइफ को 25,000 पर मंथ इंटरिम मेंटेनेंस के रूप में देना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का महिलाओं के फेवर में ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है। दोस्तों, ये जजमेंट मेघा खंडेलवाल वर्सेस रजत खंडेलवाल के नाम से सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। इस जजमेंट का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहां जाकर आप इस जजमेंट को पढ़ भी सकते हैं और कॉपी भी कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। जय हिंद।